अस्सलाम वालेकुम टास। वालेकुम सलाम मैम। आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रोसीजर पढ़ा था फ्लोरोस्कोपिक। अब हम लोगों ने सारे प्रोसीजर्स पढ़ने हैं। फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स में सबसे पहले हमने जीआई ट्रैक को कवर किया था, अपर जीआई से लेके हम लोगों ने रेक्टम तक उसकी जितनी भी बेरियम स्टडीज थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी। और अपर जीआई में हम लोगों ने बेरियम स्वॉलो, देन स्टमक और ड्यूडिनम के लिए बेरियम मील, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बेरियम फॉलो थ्रू, एंड देन हमारे पास बेरियम नीमा था। ठीक है, ये चार हम लोगों ने उसके अंदर प्रोसीजर्स पढ़े थे। देन हम लोगों ने उसमें देखा था कि ऑल आर अंडर फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट। हमें पता है कि फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट किस तरह होता है, पेशेंट किस तरह लाया करता है, और एक्सरे ट्यूब जो होती है वो किस साइड पे होती है, कैसे हम स्पॉट इमेजिंग लेते हैं। स्पॉट इमेजिंग का क्या मतलब होता है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम लोगों ने उसके इमेजेस लेने होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट पढ़ा था कि कितने टाइप के कॉन्ट्रास्ट होते हैं और कौन सा कॉन्ट्रास्ट हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, लो और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम को हम लोग इंशाल्लाह एक लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट कितने टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रास्ट लो और स्मॉलर क्या होता है, हाई और स्मॉलर क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये याद करो कि इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट कौन सा यूजर है, कॉन्ट्रास्ट का नेम बस याद कर लो कि इस प्रोसीजर के अंदर ये कॉन्ट्रास्ट यूज हो रहा है। ठीक है, देन हम लोगों ने उसके इंडिकेशंस पढ़ी थी कुछ के पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आया है तो हम लोग उसके कौन सा स्कैन करेंगे, कौन सा प्रोसीजर उसके लिए करेंगे, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं उसकी। ठीक है, फिर कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसके लिए कोई पेशेंट की प्रेपरेशन रिक्वायर्ड है या प्रीलिमिनरी फिल्म्स रिक्वायर्ड है, व्हाट आर प्रीलिमिनरी फिल्म्स, वो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर उसके अलावा हम लोग स्पॉट फिल्म्स लेते थे, किसी के लिए हम लोगों को उसी वक्त लेने होते थे, कुछ हम लोग टाइम ड्यूरेशन के बाद लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने टाइमिंग रखी हुई है कि स्पॉट फिल्म के लिए हम लोगों ने इस तरह इमेजेस लेने। ठीक है, डाई हमें नजर आता है व्हाइट कलर का, होलो स्ट्रक्चर्स वैसे हमें नॉर्मली एक्सरेज के ऊपर नजर नहीं आते हैं, हमको अगर हाईलाइट करना होता है तो हम डाई डालते हैं, डैट इज द कॉन्ट्रास्ट, तो वो उस स्ट्रक्चर को हमें हाईलाइट कर देता है। इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन तो हमें पता चल जाता है कि नार्रोइंग हो गई है आगे। ठीक है, वो वहाँ से कॉन्ट्रास्ट आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर कोई ट्यूमर्स पड़े हुए हैं, एक्सटर्नल ट्यूमर पड़े हुए हैं जो उसको एक्सटर्नली कंप्रेस कर रहे हैं तो वो उसके एरिया को कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन है तो वॉल कैसे हमें इन्फ्लेम्ड नजर आएगी। ठीक है, ये सारी हम लोगों ने कुछ इमेजेस देखे थे। आज हम लोगों ने पढ़ना है गायनेकोलॉजिकल इमेजिंग, दैट मींस ये भी एक अंडर फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है बट हमने गायनी की स्टडीज करनी है इसके अंदर। ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है, इसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं और ये किन पेशेंट्स में किया जाता है, ये आज हम इस पर कम्प्लीट पढ़ेंगे। अगेन ये एक फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है, अगेन इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज होगा, कॉन्ट्रास्ट कौन सा यूज होगा, किस तरह यूज करेंगे, किस तरह इंजेक्ट करेंगे, पहले हम लोग एनाटॉमी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके जो है ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज देख लेंगे कि अगर नॉर्मल इस तरह है तो एबनॉर्मल उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं जो कि हम लोग को इमेजिंग के ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल इमेजिंग में सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम लोग गायनी का स्कैन करते हैं तो वी हैव डिफरेंट मोडालिटीज टू इवैल्यूएट डिजीजेस ऑफ द गायनी। ठीक है, उसके अंदर नंबर वन एक तो है हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी। ठीक है, नाम काफी बड़ा है इसको जो है ना, हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी इज अ एक्सरे टेक्निक, इसके अंदर एक्सरेज यूज हो रहे हैं, इसके अंदर सोर्स हमारे पास एक्सरेज है, एक्सरे इमेजिंग है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या अल्ट्रासाउंड बड़ा कॉमन है गायनी के लिए, हम लोग ओवरीज को देखते हैं उसके अंदर, यूट्रस को देखते हैं उसके अंदर, एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखते हैं, अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोग उसको फौरन से पिक कर सकते हैं। ठीक है, देन सीटी एंड एमआरआई फॉर द डिटेल इमेजिंग, अगर हम लोगों ने बहुत डिटेल देखना है तो हम लोग सीटी और एमआरआई की तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम लोग अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज के ऊपर ही मोस्टली जो है वो इसको इसकी इमेजिंग करते हैं। ठीक है, एक्सरेज के ऊपर क्या होता है, उस प्रोसीजर को कहते हैं हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड,
अच्छा अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोगों को स्ट्रक्चर्स बड़े अच्छे क्लियरली नजर आ जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था हम यूट्रस को देख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अलावा हम ओवरीज को अच्छे से देख सकते हैं, बट हमारे पास फिलोपियन ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है यूट्रस को ओवरीज के दरमियान, जो दोनों साइड्स पे ट्यूब होती हैं, उनको हम लोग जो है अल्ट्रासाउंड के ऊपर नॉर्मल विजुअलाइज नहीं कर सकते। वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, वो हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आती। क्या होता है कि समटाइम्स पेशेंट जो है वो इनफर्टिलिटी के साथ आता है कि कंसीव नहीं कर पा रहा या उसको कोई और प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसकी जो फिलोपियन ट्यूब है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग इसकी इमेजिंग करते हैं स्टेरोसर्पिंजियोग्राफी, जो कि उस थ्रेड जो थ्रेड लाइक फिलोपियन ट्यूब है उसके अंदर भी डाई जाएगा और हमें नजर आएगा कि आया ये प्रॉपर जा रहा है पोरस चैनल्स के अंदर, पूरी ट्यूब हाईलाइट हुई है कि नहीं। अगर ब्लॉक होगी तो वो हमें डाई उस तक एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाएगा और हमें आगे नजर नहीं आएगा, डैट मीन्स उस जगह पे ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम पहले कॉन्ट्रास्ट देंगे, यही स्टेरो में कॉन्ट्रास्ट देंगे, इट्स अ कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग, हम फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर आज हमें पढ़ना ही स्टेरोसर्पिंजियोग्राफी है, ठीक है। इट्स अ फ्लोरो प्रोसीजर, इसके अंदर फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर जिस तरह है इसके अंदर उसी तरह हम डाई इंजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी इमेजेस लेंगे और जो स्ट्रक्चर्स हमें जिस तरह एक्सरेस के ऊपर हमें एसोफिगस या हमें पूरी जीआई ट्रैक प्रॉपर नजर नहीं आती, इसी तरह हम लोग को एक्सरेस के ऊपर गाइनी के सॉफ्ट टिश्यूज नजर नहीं आते हैं, तो हमने उन स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करना है। फॉर डैट वी विल इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट, किस तरह कौन सा वो आगे हम पढ़ते हैं, बट जो इमेजिंग मोडलिटीज गायनी के लिए नॉर्मली यूज होती हैं, एक्सरे बेस्ड, अगर मैं पूछूं एक्सरे बेस्ड गायनेकोलॉजिकल इमेजिंग कौन सी है, यू शुड नो इट्स स्टेरोसर्पिंजियोग्राफी, ठीक है। देन नॉन आयनाइजिंग कौन सी हो गई, अल्ट्रासाउंड एंड MRI और CT जो है, देन अगेन एक्सरेज है, बट CT और MRI हम लोग डिटेल इमेजिंग के लिए इसको रेफर कर रहे होते हैं, मोस्टली एक्सरेज दैट इज सर्पिंजियो एंड अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही हम लोग जो है ना डिजीजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी, इसको SHSG भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज यूट्रोसर्पिंजियोग्राफी, ठीक है, इज द रेडियोग्राफिक प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट द शेप ऑफ द यूट्राइन कैविटी एंड द शेप एंड पोटेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। This means it is a special X-ray using dye to look at the womb, uterus, and the fallopian tube. This is the definition that stereosalpingography is a radiographic procedure. X-ray is its source. है. इसके अंदर क्या investigate करते हैं? इसके अंदर हम uterus, fallopian tubes को देखते हैं. ठीक है. अगर उसकी pathologies हैं, उसकी एक तो anatomy, normal anatomy देखते हैं. अगर shape है, तो हमें आगे हम shapes भी पढ़ेंगे कि different congenital कुछ shapes होती हैं. जो कि डिफरेंट होती है वो क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, ठीक है। एक तो एक नॉर्मल एनाटॉमी हम लोगों ने इसके अंदर पढ़नी है, दूसरी इसके अंदर हम लोग पैथोलॉजीज को भी रूल आउट करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेलोपियन ट्यूब की पोटेंसी, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी देख सकते हैं यूट्रस के अंदर जो भी पैथोलॉजीज आती हैं, ठीक है। और लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी पोटेंसी हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर नहीं देख सकते हैं, फॉर डैट हम लोग हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी करते हैं। पेशेंट आते ही वो वाले हैं इस स्टेरो के लिए जो कि इनफर्टिलिटी का ज्यादातर उनके कंप्लेन होता है, ठीक है, कि वो कंसीव नहीं कर सकते हैं, फिर उनको हम लोग ये वाला टेस्ट कर लिखते हैं कि भाई आप लोगों ने स्टेरो करवा के आना है, ठीक है। ये कैसे होता है, बेसिकली तो हम लोगों ने फिलोपियन ट्यूब को देखना ना, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। अच्छा, व्हाट आर द इंडिकेशन, पेशेंट क्यों करवाएगा स्टेरोसर्पिंजियोग्राफी? नंबर वन इज द इनफर्टिलिटी, वेरी कॉमन, मोस्टली यही इसी उसके साथ आते हैं इंडिकेशन के साथ कि पेशेंट कैन नॉट कंसीव, इनफर्टिलिटी है, ठीक है, उसके लिए। फिर या फिर उसके बाद आता है रिकरेंट मिसकैरेजेस, ठीक है, उसको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, कंसीव कर लेती है लेकिन मिसकैरेजेस हो रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम होती है वो आगे मैं बताती हूँ कि किस वजह से जो है वो मिसकैरेजेस के चांसेस हो जाते हैं, एंड फॉलोइंग ट्यूबल सर्जरी, ठीक है। These are the indications of the hysterosalpingography. What are the contraindication? Pregnancy या purulent discharge अगर है तो हम उनके अंदर hysterosalpingography नहीं करेंगे। Obviously pregnant woman है, pregnancy है, उसके अंदर हम क्यों करेंगे, वो जो है fetus को जो है वो जो है dye जो है वो harm कर सकता है और हमें जरूरत नहीं होती। Obviously हमारी uterus के अंदर fetus होता है तो उसके अंदर हम dye कैसे जान सकते हैं। तो प्रेगनेंसी इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड द अदर वन इज द प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। कोई भी डिस्चार्ज जो जो है ना ड्यू टू इन्फेक्शन ही होता है, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है
तो हम उसको जो है वो हिस्टेरो नहीं करेंगे बिकॉज इट्स पहले ही उसको इन्फेक्शन की वजह से अगर हम कोई एक्सटर्नल कोई भी चीज़ या मतलब जिसमें डाई इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन को और ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम इसके अंदर दोनों यूज हो सकते हैं, हाई और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम भी और लो और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम भी, बट वॉल्यूम शुड बी 10 to 20 ml. ठीक है. अच्छा, इक्विपमेंट वी नो इट्स अ फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद अ स्पॉट फिल्म डिवाइस. इसमें भी फिर उसी तरह हम स्पॉट फिल्म लेते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ट्रास्ट में आगे मूव करना है. थोड़े टाइम के बाद वो उसने फुल कर देना है कैविटी को, यूट्राइन कैविटी को. उसके थोड़े देर बाद उसने आगे फेलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रास्ट में जाना है. ठीक है, देन हम लोग आगे देखते हैं इसको. एंड यूट्राइन कैनुला, अच्छा वजाइनल स्पेक्युलम, दीज आर द इक्विपमेंट यूज फॉर द हिस्टेरोसल्पिंगियोग्राफी. एक तो इक्विपमेंट हो गया जो फ्लोरोस्कोपी का पूरा यूनिट है, उसके अंदर एक्सरे ट्यूब ऊपर होती है, देन हमारा जो बाकी टेबल होता है और उसके नीचे हमारे पास एक्सरे ट्यूब होती है, ऊपर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज डिटेक्ट होता है एंड देन मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है. ये तो होगी मशीन, यूनिट हो गया पूरा. देन हम लोगों के पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हुए स्टेरो करते हैं, दैट इज द वजाइनल स्पेक्युलम. ठीक है, वल्सलम फोर्सेप्स, यूट्राइन कैनुला और एटीएफ पीडियाट्रिक फॉली कैथेटर्स. ठीक है, दीज आर द इक्विपमेंट यूज फॉर द हिस्टेरोसल्पिंगियोग्राफी. दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी. ये दरमियान में क्या है, हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस की दोनों साइड्स पे जो ट्यूब्स जा रही हैं, दिस इज द फिलोपियन ट्यूब्स दैट आर अटैच्ड टू द ओवरीज. ये गोल गोल जो है राइट एंड लेफ्ट ओवरी. ठीक है, ये है यूट्रस, सेंटर में यूट्राइन कैविटी, ये पूरा यूट्रस है, ये यूट्राइन कैविटी, कैविटी से एक फिलोपियन ट्यूब इस तरफ जा रही है, एक फिलोपियन ट्यूब इस तरफ जा रही है अटैच विद द ओवरीज. ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होती है, जब ओवुलेशन होती है, यू ऑल नो कि ओवुलेशन के अंदर कैसे हमारा जो एग है वो यहाँ से डिस्पैच एक होके फिलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ जाता है. अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है कि हर मंथ जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या होता है, स्पर्म के साथ कहीं पे भी इसीलिए कहते हैं ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यहाँ फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही कहीं जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ, तो वो नुकसानदेह होता है. ठीक है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, उसको फौरन उसको खत्म करवाना होता है उस प्रेगनेंसी को. तो नॉर्मली क्या होता है, एग को यहाँ से रिलीज करके स्पर्म के साथ अटैच करके इस यूट्राइन कैविटी की वॉल के साथ यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे भी कहीं पे भी जो है ना इसको अटैच होना चाहिए, वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, फिर क्या होता है कि एग रिलीज हुआ स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हुआ और इधर इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट होने होके फिर वो जो है आगे प्रोसीड करते हैं प्रेगनेंसी का सारा जो भी प्रोसीजर है फिटस आगे फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है. ठीक हो गया, सो दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी. अच्छा, ये देखो हिस्टेरोसल्पिंगियोग्राफी के अंदर ये हमारे पास रिंज है, हमारे पास कैथेटर है, इसके थ्रू जो है हम लोग कॉन्ट्रास्ट इस कैविटी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, ये व्हाइट कलर का क्या है, हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है. ठीक है, थ्रू वजाइना हम लोग इंसर्ट करेंगे कैथेटर को और यूट्राइन कैविटी के अंदर उसको रखते हुए हम लोग फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते जाएंगे. वो पहले हमारे अब ये देखो एक्सट्रेस के ऊपर देखें तो एक्सट्रेस के ऊपर हमें इस तरह नजर आएगा, नॉर्मली हमें कैविटी नजर नहीं आती. जब कॉन्ट्रास्ट डालेंगे देखो ओवरीज तो नजर ही नहीं आ रही है. ठीक है, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए कि नॉर्मल उसने पहले यूट्राइन कैविटी को फिल करना है, फिर उसके बाद उसने फिलोपियन ट्यूब को, एंड देन उसका नॉर्मल स्पिलेज होना चाहिए कि यहाँ से हमें रिलीज होता हुआ कॉन्ट्रास्ट फील हो, उसकी जो हमारी पेल्विक कैविटी है उसके अंदर हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट जाता हुआ उसका स्पिलेज नजर आए. अगर स्पिलेज हो रहा है दैट मीन्स कि कॉन्ट्रास्ट बाहर निकल रहा है वहां से, इसका मतलब है कि वो पेटेंट है. ठीक है, और इसका मतलब है कि उसकी फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है. अगर ब्लॉकेज होगी तो वो हमें आगे उसका कॉन्ट्रास्ट मूव करता हुआ फील नहीं होगा. Examination is done between the 4th and the 10th day in a patient with a regular 28 day cycle. जिसका normal cycle periods का 28 day का होगा उसके अंदर हम patient को बुलाते हैं. इसकी specific dates होती हैं, हम कभी भी नहीं बुला सकते. इसके लिए उसको कहते हैं कि हम उसके periods के 4th से 10th day के दरमियान में उसको बुलाते हैं अगर उसका normal cycle 28 day का. ठीक है, this is important, ये आपने याद रखना है. ठीक है, अप्रीहेंसिव पेशेंट्स मे नीड प्री मेडिकेशंस. कुछ पेशेंट्स होती हैं जो कि डरती हैं या उनको पेन फील होगा या कुछ ऐसा, उनके लिए हम लोग पैरासिटामोल 2 टैबलेट्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन दे देते हैं. ठीक है, हाउ इज हिस्टेरोसल्पिंगियोग्राफी परफॉर्म, इस कैसे परफॉर्म की जाती है. ये अगर आप देखो इसके अंदर ये पेल्विक कैविटी है, नॉर्मल हम अगर इसका एक्सरे करें तो हमें बोन्स नजर आएंगे, इसके अंदर ये हमें स्ट्रक्चर नजर नहीं आएंगे.
अगर हम ये देखें तो इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट देखो थ्रू वजाइना आगे यूट्राइन कैविटी और दोनों साइड्स पे ये थ्रेड लाइक जो छोटी छोटी बारीक सी हैं, दीज आर द फिलोपियन ट्यूब और ये हमें स्पिलिश भी फील हो रहा है इसके अंदर से निकलता हुआ, ठीक है, इसके अंदर से कॉन्ट्रास्ट निकल रहा है दोनों साइडों से, दैट मीन्स दिस इज नॉर्मल, दोनों फिलोपियन ट्यूब जो है वो नॉर्मल है, पेटेंट है, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं, नॉर्मली हमें इस तरह का नजर आना चाहिए। अगर कोई एक साइड जो है वो हमें ब्लॉक हुआ, हम कह सकते हैं कि उसकी राइट साइड फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या जिस तरह भी हम रिपोर्ट करेंगे, बट दिस इज द नॉर्मल हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी। इन हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी अ थिन ट्यूब इज थ्रेडेड थ्रू द वजाइना एंड सर्विक्स, अ सब्सटेंस नोन एज कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज मटीरियल इज इंजेक्टेड इन टू द यूट्रस, अ सीरीज ऑफ एक्सरेज और फ्लोरोस्कोपी फॉलोज द डाई which appears white on x-rays as it moves into the uterus and then into the tubes. कोई मुश्किल कोई परेशानी कुछ समझ ना आया प्रॉपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वही है कि थ्रू वजाइना हम कॉन्ट्रास्ट को स्लोली स्लोली इंजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी एक्सरेज लेते हैं कुछ कुछ टाइम के बाद, और उसी तरह हमारा जो डाई है वाइट कलर का नजर आता है वो आगे मूव करता जाता है थ्रू इंटू द फिलोपियन ट्यूब्स। Spillage of the material into the peritoneal cavity needs to be observed. This is very important. कि इससे हमें पता चलता है कि जो उसकी ट्यूब्स हैं दोनों वो पेटेंट है या ब्लॉक है। It is a vital role in treatment of infertility, especially in case of fallopian tube blockage. क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि infertility में ज्यादातर chances होते हैं कि उसकी fallopian tube ब्लॉक है, इस वजह से जो है वो conceive नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम ये टेस्ट करवाते हैं कि आपने टेस्ट करना है तो जो है हमें पता चल जाएगा कि उसकी फिलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अब एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस, वी ऑल नो यूट्रस इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द फीमेल पेल्विस बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंटीरियरली एंड द रेक्टम पोस्टीरियरली, ये तो उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यू ऑल नो, पेल्विक जितने स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है, पीछे जो है वो फीमेल के अंदर जो है वो यूट्रस एंड मेल के अंदर जो है वहाँ पे प्रोस्टेट पड़ा होता है, देन पोस्टीरियरली हमारे पास रेक्टम होता है। दीज आर द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द पेल्विक। द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, द फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी। ये हमारे पास क्या है, नीचे वजाइना, वजाइना से ऊपर यहाँ पे यूट्रस का सबसे पहला पार्ट जो ब्लू कलर का है दिस इज द सर्विक्स, येलो इज द बॉडी एंड जो ऊपर आपको डोम नजर आ रही है दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस, दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है, वजाइना, सर्विक्स, ये बॉडी, दिस इज फंडस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, क्लियर। और ये किस तरह अटैच होते हैं, ये ब्रॉड लिगामेंट जो व्हाइट कलर के हैं ये अटैच करते हैं यूट्रस को ओवरीज के साथ, ठीक है, ये यूट्रस की वॉल और इधर ओवरीज, ठीक है, और ये इनके साथ ये किस तरह एक लिगामेंट है कि ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है जो कि इनको फिक्स करके रखता है अपनी पोजीशन के ऊपर। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस, दिस इज द नॉर्मल हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी एक्सरे, ठीक है। इसके अंदर ये देख रहे हो कि कॉन्ट्रास्ट जा रहा है पूरी यूट्राइन कैविटी को उसने हाईलाइट किया हुआ है, दोनों थ्रेड्स हमें दोनों फेलोपियन ट्यूब नजर आ रहे हैं अलॉन्ग विद द स्पिलेज, दोनों साइड्स पे स्पिलेज नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ये इमेज, ये नॉर्मल है। Then we have हमारे पास अभी हम लोगों ने anatomy पढ़ ली है, we have abnormal shapes कुछ हैं हमारे पास, वो क्या है, वो हम लोग congenital कुछ पढ़ते हैं कि उनके अंदर uterus की shape जो है ना वो थोड़ी सी different होती है। Number one is the arcuate uterus, और इन shapes के अंदर किस में chances है miscarriage होने के, और अगर उसका normal shape इस तरह जिस तरह एक patient आ रहा है recurrent miscarriages के साथ, ठीक है, उसको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, वो हम देखते हैं कि आया उसकी शेप नॉर्मल है यूट्रस की, कहीं उसकी शेप ऐसी तो नहीं है जो आगे हम पढ़ेंगे इस तरह की जिसके अंदर मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी पे देखते हैं। दैट मीन्स जब हम उसका एक्सरे करेंगे तो हम उसकी पूरी कैविटी की शेप हमें प्रॉपर नजर आएगी कि दिस इज द नॉर्मल कैविटी जो कि अभी हमने पिछले पढ़ी थी, अगर दिस इज नॉट नॉर्मल तो वो एबनॉर्मल हो सकती है, वो कौन सी एबनॉर्मेलिटी है जो कि जिसमें चांसेस है मिसकैरेजेस के। अच्छा, नंबर वन इज द आर्कुएट यूट्रस, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ऊपर फंडस है ना ये यहाँ से इसके अंदर मामूली सा डिप आता है, ये देख रहे हो हल्का सा आर्च सी बनती है, तो इसको कहते हैं आर्कुएट यूट्रस, ये नॉर्मली होता है यूट्रस, इसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट को, बट हल्का सा अगर आपको एक्सरे के अंदर यूं करके फंडस में डिप नजर आ रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, दिस इज द आर्कुएट यूट्रस, पढ़ लो इसको, दिस लुक्स मोर लाइक अ नॉर्मल यूट्रस एक्सेप्ट इट हैज अ डिप, ठीक है, और स्लाइड इंडेंटेशंस एट द टॉप,
It is common abnormality affecting about 1 in 25 women in the general population. It does not usually make conceiving difficulty. ठीक है, इसमें कंसीविंग में कोई मसला नहीं होता, बस एक डिप है, एबनॉर्मल शेप है उसकी, और ये जो है ना 1 in 25 वुमेन में किसी में हो सकती है. ठीक है, दूसरी शेप है ये, अगर आप इसको एक्सरे के ऊपर देखो तो हल्का सा आपको डिप्रेशन सा फील हो रहा है. ठीक है, लाइट सा आर्च बन रही है इसके ऊपर फंडस के अंदर, और इसीलिए इसको कहते हैं आर्कुएट यूट्रस. दिस इज नॉर्मल, इसमें कोई कंसीविंग में प्रॉब्लम. नंबर टू इज द सेप्टेट यूट्रस. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यूट्रस जो है उसके अंदर सेप्टेशन है. अगर इस पिक्चर को देखो गौर से तो इसके अंदर आपको ये सेप्टेशन नजर आ रही है, ये आ रही है, और ये कैविटी के अंदर सेप्टेशन है. ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं सेप्टेट यूट्रस. इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अ यूट्राइन सेप्टम दैट इज अ सेपरेट यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल यूट्राइन मैलफॉर्मेशन comprising roughly 1/3 of the uterine abnormality. Since it is a congenital condition, that means that is present at birth. ये congenitally septate uterus होता है. A uterine septum is a band of fibrous tissue that partially or completely divides the uterus. ठीक है, ये जो band हमें नजर आ रहा है fibrous tissue का center में, that will divides the uterus into two. Usually without a good blood supply. If a fertilized egg implants on the septum, the placenta is unable to grow properly and miscarriages is likely happen. इसमें क्या होता है कि जब आगे मैंने आपको पीछे बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब एग इम्प्लांट करेगा कहीं पर भी यूट्रस में, वो यहाँ इस वॉल के साथ भी कर सकता है, इस वॉल के साथ भी, ऊपर भी, कहीं पर भी. ठीक है, सेप्टेट यूट्रस के अंदर क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सेप्टम के ऊपर यहाँ आके इम्प्लांट हो जाएगा. कंसीव कर लिया है उसने, ठीक है, बट जब उसने इम्प्लांट करना है तो वो क्या होगा, उसको अर्ली मिसकैरेज हो सकता है, बिकॉज जब वो ग्रो करेगा उसका प्लेसेंटा वहां पे प्रॉपर जो है वो प्लेसेंटा मेन प्लेसेंटा से ही तो ब्लड सप्लाई लेना है उसने सारा. ठीक है, फीटस ने सारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जब बनता है वो वॉल के साथ बनता है, तो वॉल से मदर का जो ब्लड है ना वो लेता है. ठीक है, तो इधर ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम होती है और सेप्टम के अंदर तो है ही ब्लड सप्लाई नहीं, तो प्लेसेंटा ग्रो ही नहीं करेगा, दैट मींस के उसके अंदर मिसकैरेज फौरन हो सकता है. तो जैसे ही वो इम्प्लांट करेगा यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो करेगा तो वो मिसकैरेजेस की चांस रहता है. तो इन सेप्टेट यूट्रस देयर इज अ चांस ऑफ मिसकैरेजेस. ठीक है, और जो उसका क्या है रीजन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लेसेंटा विल ग्रो एट द सेप्टम जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी, और प्लेसेंटा जो है वो मेन जो ब्लड सप्लाई सारा प्लेसेंटा से ही फिटस को जाता है, तो मिसकैरेज हो जाता है. द सेप्टम में एक्सटेंड ओनली पार्ट वे इनटू द यूट्रस, पार्शली सेप्टेट यूट्रस, और इट मे रीच एज फार एज ऑन द सर्विक्स कम्प्लीट सेप्टेट यूट्रस. पार्शियल सेप्टेट्स आर मोर कॉमन देन कम्प्लीट सेप्टेट्स. अब ये पार्शियल है, नीचे से देख रहे हो इसका थोड़ा ये ओपनिंग है. समटाइम्स क्या होता है सेप्टेट यूट्रस पूरा का पूरा कम्प्लीटली दो में डिवाइड हो जाता है, एक इधर एक इधर, दो कैविटीज बन जाती है. पार्शियल सेप्टेट्स आर मोर कॉमन देन द कम्प्लीट सेप्टेट्स. अ सेप्टेट यूट्रस में टेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसीव एंड मे इंक्रीज योर रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस. इन जितनी भी शेप्स हैं अगर मैं पूछूं कि इन सब में को आगे दो और पढ़ते हैं, इन सब में किसमें चांसेस हैं कंसीविंग प्रॉब्लम के और किसमें चांसेस है मिसकैरेजेस के, तो सेप्टेट यूट्रस एक ऐसा उसकी एबनॉर्मेलिटी है, उसकी शेप ऐसी है कि इसके अंदर कंसीविंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, और इसके अंदर जो है वो क्या कह सकते हैं मिसकैरेजेस के भी चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. क्लियर, दिस इज द सेप्टेट यूट्रस, देख रहे हो ये, और ये डिप इतना ज्यादा है इसके अंदर कि उसने सेपरेट कर दिया. दिस इज पार्शियल सेप्टेशन, दिस इज नॉट कम्प्लीट सेप्टेशन. ठीक है, अब आ गया बायकॉन्वेट यूट्रस. व्हाट इज बायकॉन्वेट यूट्रस? दो कॉर्नर है. ठीक है, अब ये क्या है, बायकॉन्वेट यूट्रस इज अ हार्ट शेप यूट्रस, एसेंशियली अ यूट्रस विद अ डिप ऑन द टॉप, जिस तरह आर्कुएट में थी इसमें डिप थोड़ी सी ज्यादा होती है. बायकॉन्वेट यूट्रस एज वेल एज यूनिकॉन्वेट एंड डायडाइफिल यूट्रस आर कंसिडर्ड मलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटी. A malarian duct abnormality is a type of congenital abnormality of the uterus. ठीक है, most women with a biconvert uterus do not have complication, but in some a biconvert uterus may lead to an increased risk of preterm labor. A biconvert uterus is not believed to increase the risk of first term miscarriage, but it may increase the risk of second trimester miscarriage. अब
किसी के अंदर उसके अंदर तो अर्ली मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। दूसरा कंसीविंग में भी प्रॉब्लम है, इसके अंदर कंसीव भी कर लेगा, जो फीटस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 3 मंथ्स जो है वो उस तक रह भी जाता है, इसमें चांसेस होते हैं या तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो उसके अंदर मिसकैरेज हो सकता है, या फिर क्या होता है कि प्री टर्म लेबर, अगर वो पूरे फुल टर्म में चला गया है तो उसको प्री टर्म लेबर हो सकती है, 7 मंथ में जो है फीटस जो है वो डिलीवर हो सकता है, 8 मंथ में हो सकता है, 6 मंथ में हो सकता है, ठीक है। तो ये प्री टर्म लेबर है। तो बाय कॉन्वेक्स यूट्रस क्या है, ये हार्ट शेप होता है, इसका डिप थोड़ा सा ज्यादा है, इसके अंदर वो क्या कहते हैं इम्प्लांट तो हो जाएगा बट वो उसके अंदर प्री टर्म लेबर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर उसकी मिसकैरेजेस के चांसेस इसके अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर 2 कॉर्नर्स बन जाते हैं, एक ये और एक ये हार्ट शेप जिस तरह होता है, ठीक है। ये देख रहे हो हार्ट शेप, यूट्रस डायडेल्फिस जो होता है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप नीचे अगर शेप देखो इसकी, इसके अंदर दोनों कैविटीज भी सेपरेट है, ठीक है, और इसके सर्वेक्स भी दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक ये कोई मिल ही नहीं रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। दिस इज व्हेन द यूट्रस हैज 2 इनर कैविटीज, 2 अलग अलग कैविटीज है, ठीक है। ईच कैविटी लीड्स टू इट्स ओन सर्वेक्स एंड इन सम केसेस देयर मे आल्सो बी 2 वजाइनास। This is uncommon, affecting about 1 in 350 women. It is possible to conceive if you have this type of abnormality and have a straightforward pregnancy. इसके अंदर जो है pregnancy conceive भी उसका हो सकता है और इसके अंदर pregnancy जो है वो proceed भी कर सकती है। क्या होता है इसके अंदर अलग से cervix, अलग से 2 cavities बन जाती हैं, एक इस तरफ। इसके अंदर जो है इसकी एक ovary, इसके अंदर एक ovary, ठीक है। तो क्या होगा, 2 वजाइना भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो इसके अंदर हमें 2 कैविटीज अलॉन्ग विद 2 सर्वेक्स, दिस इज अनदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी। इसके अंदर चांसेस हैं यस कंसीव करने के एंड प्रेगनेंसी विल प्रोसीड नॉर्मल, ठीक हो गया। बाय कॉर्नेस, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो 2 ही हमें कैविटीज और 2 सर्वेक्स नजर आएंगे, 2 सेपरेट सर्वाइकल कैनुला and 2 separate uterine cavities, ठीक है। Unicornuate uterus, अब उसके अंदर 2 थे, अब इसके अंदर 1 ही है, 1 ही fallopian tube और 1 ही उसका ovary होगी, this is another congenital abnormality, और अगर आप इसकी शेप देखो तो ये शेप के अंदर इस तरह हमें biconvate uterus नजर आएगा। This is the half the size of a normal uterus and there is only 1 fallopian tube, because of its shape it is described as a uterus with 1 horn. It is a rare abnormality affecting about 1 in 1,000 women in the general population. It develops in the earliest stages of the life when the tissue that forms the uterus does not grow properly. If you have a unicornuate uterus, you probably have 2 ovaries. Okay, only 1 will be connected to the uterus with the fallopian tube, because ek hi to fallopian tube hai jisne iske sath attach hai. As long as there is 1 healthy developed horn, it is perfectly possible to conceive. However, it does put you at greater risk of miscarriage. Conceive ho sakta hai but greater risk of miscarriage in unicornuate uterus, 1 cavity. This is unicornuate, theek hai. Ab aajo ye to normal shape, ye to hum logo ne shapes par liye, kuch abnormal ab aajo kuch problem jiske andar hame disease bhi nazar aa sakti hai. Number 1 is the endometrial polyp. Polyp kya hota hai, हमारी जो इनर वॉल होती है उसके अंदर अगर प्रोट्यूजन है, अगर कुछ सॉफ्ट टिश्यू क्या अगर हमें कुछ सॉफ्ट टिश्यू नजर आ रहा है उसको हम पॉलिप कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जो है हमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का पॉलिप नजर आया जो वॉल के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसमें क्या है, डाय सारा उसने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद उसने पूरी कैविटी को फिल कर दिया, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे हमें एक ब्लैक कलर का छोटा सा बॉल से नजर आ रही है वॉल के साथ, दिस इज द पॉलिप। एस्कर्मन सिंड्रोम क्या होता है, दिस इज अनदर एक्वायर्ड कंडीशन, एक्वायर्ड वो होती है जो कि बाय बर्थ नहीं होगी। इसके अंदर क्या होगा, दैट रेफर्स टू हैव स्कार टिश्यू इन द यूट्रस और इन द सर्विक्स। स्कार टिश्यू मतलब इनर जो उसकी यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है उसके अंदर कोई स्कार हो सकता है, दैट विल बी ड्यू टू सेवरल डायलेटेशन, उसके अंदर अगर मिसकैरेजेस बार बार हुई है, ठीक है, तो वो क्या नाम है, कोई भी जब प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके मिसकैरेजेस को अंदर से क्लीन करते हैं सारा कुछ, तो उसकी वजह से उसकी इनर लाइनिंग है उसके अंदर स्कार हो सकते हैं। या क्योटेज जो है वो एक प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या होता है कि जो
इनर लाइनिंग है उसका टिश्यू हम लोग लेके, जिस तरह बायोप्सी की जाती है ना, इसी तरह हम इनर एंडोमेट्रियल की लाइनिंग का टिश्यू थोड़ा सा लेके और फिर उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको क्यूरेटेज कहते हैं। ये दोनों प्रोसीजर के अंदर चांसेस होते हैं कि वो अंदर की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर स्कार प्रोड्यूस कर सके। अगर हमें एक्सप्रेस के ऊपर हिस्टेरोसर्पिंगोग्राफी, ये जो टेस्ट है हमारा प्रोसीजर, इसके अंदर यूट्रस के अंदर अगर हमें स्कार फील हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एस्करमैन सिंड्रोम, ठीक है। दिस इज ड्यू टू जो स्कार इन द इनर लाइनिंग। इन्फेक्शन अनरिलेटेड टू द सर्जरी में ऑल्सो लीड टू एस्करमैन सिंड्रोम। इंट्रायूट्राइन एडिजन कैन ऑल्सो फॉर्म आफ्टर इन्फेक्शन विद ट्यूबरक्लोसिस और द स्किस्टोमोसिसिस, ठीक है। ये एस्करमैन सिंड्रोम के अंदर अगर आप यूट्रस के अंदर देखो तो ब्लैक कलर की उसके अंदर आपको कुछ फील हो रहा होगा, ठीक है। दिस इज द लाइनिंग जो कि उसके अंदर स्कार है, स्कार इन द यूट्राइन कैविटी, और इसको कहते हैं एस्करमैन सिंड्रोम। हाइड्रोसेल्फेंस क्या होता है, ये क्या है, ये डिस्टली ब्लॉक कर देते हैं फिलोपियन ट्यूब को विद अ क्लियर फ्लूड या वाटरी फ्लूड, जिसकी वजह से फिलोपियन ट्यूब हमें डायलेटेड नजर आती है, आगे हमें स्पिलेज नजर नहीं आता। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, एंड सेल्फेंस मीन्स फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो नेम से ही बता रहा है कि ड्यू टू वाटर द फिलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड और वो हमें उसके ऊपर डायलेटेड नजर आएंगे। The blocked tube may become substantially distended, giving the tube a characteristic sausage-like or retort-like shape. The condition is often bilateral and affected tubes may reach several centimeters in diameter. अगर आप देखो तो normal हमें इस तरह तो नहीं नजर आता था, ये देख लो इतनी ज्यादा dilated जो है वो हमें fallopian tubes नजर आ रही है। This is hydrocephalus, और इसके अंदर due to the fluid जो है वो fallopian tube की dilatation हुई। देन हमारे पास एक और डिजीज जिसको हम एंड्रोमेट्रियोमा कहते हैं। ओमा इज अ व्हाट, बिनाइन कंडीशन, बिनाइन ट्यूमर ऑफ एंड्रोमेट्रियम। इस नाम से आधे तो हमारी मेडिकल की जो है ना वो नाम से ही हमें बता देती हैं। एंड्रोमेट्रियोमा इज द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू इन एंड समटाइम्स ऑन द ओवरी। एंडोमेट्रियल का ही टिश्यू जो है वो ओवरीज के अंदर जा सकता है, वहां पे हमें कोई मैस नजर आ सकता है, ठीक है, या फिर एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर ही उसके फ्लूड जो टिश्यू है वो ज्यादा हमें बड़ा सा नजर आ सकता है। एंडोमेट्रियोमा इज अ बेनाइन कंडीशन, ठीक है। ये हमें इसके अंदर ये एमआरआई का स्कैन हुआ हुआ उसके अंदर हमें जो नजर आ रहा है, ठीक है। देन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स आर एबनॉर्मल ग्रोथ्स दैट डेवलप इन और ऑन द वुमेन यूट्रस। द ग्रोथ्स आर टिपिकली बेनाइन एंड नॉन कैंसरस। द कॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स आर अननोन। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूट्रस में मिलते हैं हमें ये ग्रोथ है, नॉर्मल सी बिनाइन कोई समझ लो टिश्यू है, बिनाइन हमारे पास कोई ट्यूमर है लेकिन नॉन कैंसरस होता है। और फाइब्रॉइड्स हमें बहुत, इसमें क्या होता है, पेशेंट को चांस, पेशेंट की हैवी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर उसके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है। ये कुछ जो है वो ये कहते कुछ नहीं है, नॉन कैंसरस होते हैं, बिनाइन होते हैं। मैंने काफी मतलब ज्यादातर प्रेगनेंसी में भी जो है ना मोस्टली लोगों को प्रेगनेंसी के साथ भी फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं और वो कहते हैं कुछ नहीं, आपकी प्रेगनेंसी को भी कुछ नहीं कहेंगे, आपके फिटर्स को भी कुछ नहीं कहेंगे, ग्रो करते रहते हैं ऐसे ही। बट अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसको थ्रू सर्जरी जो है फाइब्रॉइड को रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें फाइब्रॉइड नजर आ रहा है, ठीक है। ये ऑन एमआरआई ट्रोपोप्लास्टिक सा एक मास नजर आता है जिसके अंदर ये व्हाइट 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 और ब्लैक 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 डॉट्स नजर आते हैं। ये मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, इट्स एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी इन विच अ नॉन वायबल फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इन द यूट्रस and will fail to become to the term, ठीक है। A molar pregnancy is a gestational trophoblastic disease. ये proper एक pregnancy नहीं होती है but ये लगती है pregnancy ही है, but इसके अंदर क्या होता है, gestational trophoblastic छोटे छोटे जो cells है ना which grows into the mass in the uterus that has swollen chorionic villi, which these villi grows in the cluster that resemble the grapes, ठीक है। जो हमारे अंदर कोरियोनिक विलाय है उनकी स्वेलिंग होने की वजह से वो एक मैस अपीयरेंस देते हैं बड़ा सा, छोटे छोटे जो है ना विलाय जो है वो ग्रेप्स की तरह क्लस्टर फॉर्म में हमें नजर आते हैं और ये हमें इमेजेस के ऊपर इस तरह नजर आता है, ठीक है।
दिस इज नोन एज द मोलर प्रेगनेंसी. दिस नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इम्प्लांट होता है अंदर यूट्रस की लाइनिंग के अंदर, एक छोटा सा जो भी एग फर्टिलाइज होगा. एंड देन जो मोलर प्रेगनेंसी होती है एब नॉर्मल परफॉर्म प्रेगनेंसी है, इसके अंदर गेस्टेशनल जो ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज है वो फर्टिलाइज वो इस तरह ग्रो करता है और हमें छोटे छोटे विलायो जो है वो ग्रेव्स की क्लस्टर फॉर्म में नजर आते हैं. ओवेरियन सिस्ट अनदर इज इम्पॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बहुत ज्यादा होती हैं सिस्ट हो सकती हैं, खुद ही बनती हैं, खुद ही खत्म हो जाती हैं, इनका कोई कॉज नहीं हो सकता अभी तक, नॉन कॉज नहीं है. ठीक है, कुछ हमारे पास हेमरेजिक सिस्ट होती हैं उसके अंदर ब्लड होता है. ठीक है, ये ओवेरियन सिस्ट सिंपल जो है अगर एन ओकेक है तो हमारे पास वो सिंपल ओवेरियन सिस्ट है. ठीक है, सिस्टरडिनोमा. डर्मोइड सिस्ट क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको टेराटोमा भी कहते हैं, कंटेनिंग एपिडर्मिस, हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड. ऐसी सिस्ट जिसके अंदर हम लोगों को एपिडर्मिस या हेयर फॉलिकल्स या ग्लैंड्स मिल रहे हैं पेल्विक कैविटी के अंदर, उस सिस्ट को हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं. ठीक है, दिस इज डर्मोइड सिस्ट ऑन द सीटी स्कैन. सर्वाइकल कार्सिनोमा. ठीक है, तो ये हमारी यूट्रस की सारी एबनॉर्मेलिटीज जो कि कॉमनली हमें नजर आती हैं क्लियर सारी हो गई हैं. हिस्टेरोसर्प एंजियोग्राफी वाज द प्रोसीजर दैट जो कि अभी मतलब अंडर एक्सरे जो है हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं. क्या किस तरह परफॉर्म करते हैं? वही एक्सरेज लेते हैं, इमेज कैसा नजर आता है, कॉन्ट्रास्ट कैसे इंजेक्ट करते हैं थ्रू कैथेटर. पहले हम वजाइना से उसके यूट्राइन कैविटी एंड देन फिलोपियन ट्यूब को विजुअलाइज करते हैं. स्पिलेज होना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल. एबनॉर्मेलिटीज में हमने उसकी शेप्स देखी हैं, किसके अंदर चांसेस हैं मिसकैरेजेस के, किसके अंदर चांसेस है नॉर्मल कंसीव हो जाए, किसके अंदर चांसेस हैं कि जो है वो प्री टर्म बर्थ जो है उसकी हो जाए या सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो जाए. ये पॉइंट्स आपने याद करने वाले हैं. ठीक है, फिर हमने और एबनॉर्मेलिटीज पढ़ी हैं यूट्रस के अंदर, हमें कोई पॉलिप नजर आ सकता है, कोई कैंसर सेल्स नजर आ सकते हैं, एंडोमेट्रियोमा इज वेरी कॉमन, देन ओवेरियन सिस्ट. दीज आर ऑल द एबनॉर्मेलिटीज दैट कैन बी सीन इन द यूट्रस. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा गायनी का कंप्लीट हो गया है. मैम, अगर हमारे फिलोपियन ट्यूब बिल्कुल ही ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं. अगर हमारे फिलोपियन ट्यूब अगर फ्लोपिन ट्यूब ब्लॉक है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर हो जाएगी और फिर मिसकैरेज हो जाएगा? कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी, इनफर्टिलिटी होती है उसमें. क्या होता है आपको पता ही है कि जो प्रेगनेंसी है वो हमारा रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन कैसे होगी, हमारे दोनों ओवरीज दोनों साइड्स में उसके अंदर एग बनेगा ना, ओवरीज के अंदर एग बनता है. ठीक है, जो हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो वहां से एग जो डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है, हर मंथ एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है. ठीक है, इन केस वो अगर स्पर्म से जो हमारे के साथ उसका क्या कहते हैं फ्यूजन हो जाए तो वो फर्टिलाइज हो जाता है. ठीक है, इन केस स्पर्म नहीं मिला तो वो जो है ब्लीडिंग हो जाती है और हर मंथ जो है पीरियड्स होते हैं. ठीक है, वो तो पता है आपको. अगर तो वो ही एग जो है वो रिलीज हो जाए देन दिस इज पीरियड. अगर वो एग जो है वो स्पर्म के साथ जो है फ्यूज होके वहां पे फर्टिलाइज हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी बना हो जाती है. ठीक है, वो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस में कहीं पे भी इम्प्लांट करता है और वहां पे प्रोसीड करता है. वो जिस वॉल के साथ अटैच करेगा वहां पे प्लेसेंटा बन जाएगा और प्लेसेंटा जो है वो ब्लड जो है वो सारा क्या कह सकते हैं मदर से फीट्रस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है डैट इज ड्यू टू द प्लेसेंटा. सारा ब्लड सप्लाई जितना फूड जो भी है पेशेंट का वो वेस्टेज या जो वो उससे ही एक्सचेंज हो रहा होता है थ्रू प्लेसेंटा फीटस का. तो वो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ अटैच होता है दैट मींस वो मदर के साथ और उसका फीटस का कम्युनिकेशन. तो एग ने रिलीज होके जो है ना फर्टिलाइजेशन होनी ही एग में रिलीज ओवरी से होना और उसका पाथ क्या है उसने फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आना. ठीक है, तो अगर उसका ब्लॉकेज हुआ है फिलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक है तो वो एग आएगा कहाँ से? ठीक है, तो उसका वे है उसका पाथ है कि उसने एग ने ओवरी से निकल के उस फिलोपियन ट्यूब के अंदर से आना है और स्पर्म के साथ मीट करना है. ठीक है, देन प्रेगनेंसी होगी. अगर फिलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है अगर अच्छा उस केस में प्रेगनेंसी हो जाती है अगर उसका एक साइड की फिलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो और दूसरी साइड की खुली हो. क्या होता है कि हर मंथ जो है फर्टिलाइजेशन एक महीने एक ओवरी से होती है, अगले महीने दूसरी ओवरी से होती है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एक साथ दोनों ओवरीज फर्टिलाइज नहीं होती. ठीक है, एक महीना एक एग बनाएगा ओवरी एक बनाएगी एग. ठीक है, अगले महीने दूसरी ओवरी एग बनाएगी. क्या होता है कि जो समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल राइट साइड की जो फिलोपियन ट्यूब थी वो ब्लॉक थी तो
तो इस मंथ जो फर्टिलाइजेशन थी वो राइट ने करनी थी, तो इस मंथ हो सकता है कि उसको प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है उसकी अगर फर्टिलाइजेशन होनी थी और जो एग है वो लेफ्ट ओवरी ने बनाया एग और वो रिलीज हो गया, उसकी फिलोपियन ट्यूब खुली हुई थी, ठीक है, वो फिलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल होकर यूट्रस में आया है एंड देन वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है एंड देन प्रेगनेंसी, उसमें चांसेस हैं कि अगर एक जो है वो खुली हुई है और एक जो है वो अगर ब्लॉक है, अगर दोनों ब्लॉक हैं तो इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर हो गया सारा गायनी का, उसकी नॉर्मल एनाटमी, किसमें चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, किसमें चांसेस हैं मिसकैरेजेस के, शेप्स अच्छे से याद कर लेना, आर्कुएट के अंदर नॉर्मल ही होता है, बस नॉर्मल डिप होता है उसके अंदर, सबटेट के अंदर चांसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, बायकॉन्वेट, यूनिकॉन्वेट, ठीक है, ये शेप्स बहुत अच्छे से याद करना और इनमें ये जरूर देखना कि किसके अंदर चांसेस क्या है, नॉर्मल कंसीविंग के हैं चांसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट आपके पास इनफर्टिलिटी का आ रहा है या रिकरेंट मिसकैरेजेस का आ रहा है, तो अगर आपने उसका स्कैन किया है और उसके ऊपर इमेज के ऊपर आपको इस तरह का व्यू नजर आया, तो यू शुड नो कि ये वाला इमेज जो है ये शेप बता रहा है, ये सेप्टेट बता रहा है, डैट मीन्स उसकी पहले हिस्ट्री रिकरेंट मिसकैरेजेस की है, डैट मीन्स तो उसको कंसीव करती है, लेकिन जो प्लेसेंटा या फिर उसका जो एग है वो इम्प्लांट ही जाकर सेप्टम के ऊपर होता है, तो उस थोड़ी देर के बाद वो जो है वहां से थोड़ा अरसा वहां पे ग्रो करेगा, थोड़ा सा बड़ा होता है तो प्लस वहां से मिसकैरेजेस के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाते हैं, दैट्स व्हाई उसको रिकरेंट मिसकैरेजेस है, ठीक है। उसके अलावा फिलोपियन ट्यूब को हम लोगों ने हिस्टेरो में देखना होता है, ज्यादा हिस्टेरो सल्पिंजियोग्राफी, सल्पिंजियोग्राफी जो है फिलोपियन ट्यूब को ही नेम को ही बता रहा होता है, बाकी चीजें भी हमने देखनी होती हैं, बट मोस्ट कॉमनली हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी के अंदर फिलोपियन ट्यूब को ही हम देखते हैं, उसका स्पिलिस देखते हैं, उसके अंदर नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट है उसके अंदर ट्रेवल होके हमें बाहर स्पिलिस फील होना चाहिए दोनों साइड्स पे, अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल है, अदरवाइज वो ब्लॉक है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया आज का पूरा लेक्चर, ठीक है, इजी है, यस मैम। उसके अलावा अब आप बात करते हैं थोड़ी आपके जो है उसकी क्विज की, क्विज आज मैंने रीटेक लेना था, रात को मैंने ईमेल कर दी थी आप सबको, कुछ बच्चों की मैंने रात को ऐसी ईमेल्स चेक किया तो इतनी सारी ईमेल्स आई हुई थी मुझे बच्चों की तरफ से कि उनका LMS में प्रॉब्लम आ रहा है और ये वो, तो मैंने क्विज ही कैंसिल कर दिया है, वैसे भी आप लोगों को ईमेल आ गई होगी कि आप लोगों की अब यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है इंशाल्लाह मंडे से, ठीक है, सब इंशाल्लाह जो है ना कैंपस क्लासेस होंगी और अल्लाह करे सब अब नॉर्मल हो जाए और सब वैक्सीनेशन लगवा के आना अपनी अपनी, ठीक है। तो क्विज का मैंने अब ये किया कि आपका जो क्विज हो गया सो हो गया, ठीक है, लेकिन उसका एक है कि मैं उसकी वेटेज कम कर रही हूँ, उसकी वेटेज 10% थी, मैं अब उसकी वेटेज 5% कर रही हूँ, ठीक है, बाकी हम असाइनमेंट्स रख लेंगे या कुछ जो है ना और असेसमेंट्स कर लेंगे, जो हो गया उसको छोड़ दो, अब रीटेक जो है ना उसको भूल जाओ, आगे की तैयारी करते हैं, क्विज होने हैं, सॉरी अपना मिड्स होने हैं, ये जो होने हैं जो जिस तरह था मिड्स वगैरह जो है सब कुछ तो यूनिवर्सिटी में होगा ना, अब जो कुछ होगा यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है मैम, फिर जो हमारे मिड में ये वाला सिलेबस तो नहीं आएगा ना, क्विज वाला सिलेबस नहीं, वो नया सिलेबस मैं आपको बता दिया करूंगी, कुछ नेट चलो स्पॉटिंग भी रखेंगे कुछ, मे बी मैं अब अगर अगर यूनिवर्सिटी प्रॉपर से स्टार्ट होती है तो प्रैक्टिकल भी करते हैं कुछ, तो एंड में जो है ना कुछ प्रैक्टिकल के लिए क्लासेस रखते हैं करनी हुई, तो अगर मैं अच्छे से उसकी प्रॉपर प्रोब हैंडलिंग और ये वो सिखा देती हूँ आप लोगों को, देन मैं उसका मे बी टेस्ट भी रख सकूँ, ठीक है, तो वो मैं असेसमेंट आपको बता दूंगी कि प्रैक्टिकल जो है ना आपको थोड़ा आना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपको करवा के देन ही मैं करूँगी इसके ऊपर, अगर प्रॉपर अभी देखते हैं पूरा सेमेस्टर पड़ा हुआ है सिर्फ क्विज ही हुआ है तो इंशाल्लाह जो है उसके साथ ही देखते हैं किस तरह क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो प्रैक्टिकल की भी बीच में क्लासेस रखेंगे, मेरा दिल है जल्दी जल्दी से हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट करें, फोकस ज़्यादा हमारा प्रैक्टिकल की तरफ हो, अल्ट्रासाउंड का ज़्यादा, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, जनरल और रीजनल दोनों पढ़ ली है, यस मैम, ठीक है, तो जनरल रीजनल दोनों आपकी होगी, मस्कुलोस्केलेटल मैम वो पढ़ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स और कुछ नहीं पढ़ रहे और तो मेरे साथ ही आज इसी सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह मतलब ओवरऑल हम एक अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग रखते हैं, प्रैक्टिकल काम उसके ऊपर देखते हैं सारी मस्कोस्केलेटल वाले भी और आप लोग भी जिस तरह है उनकी क्लास में मैं रखती हूँ प्रैक्टिकल,
एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत मेमोलॉजीज, प्रोब हैंडलिंग, कैसे मूव करना है, स्क्रीन पे कैसे चीजें नजर आती हैं, वो सारी चीजें जो है ना प्रैक्टिकली देखते हैं. मैं तो खुश हूँ कि शुक्र है कि स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और ये हवाई पढ़ाई से ना समझ आती है और ना हम लोग कन्वे कर सकते हैं जिस तरह एक प्रॉपर करना चाहिए. बट पूरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से समझ आ सके सारा कुछ. फिर भी अगर बाकी असेसमेंट्स इंशाल्लाह आप आगे कंटिन्यू करेंगे, समझ आ गई. अब इसका वीटेक नहीं होगा, इसकी वेटेज मैंने कम कर दी है, 5% कर दी है. तो अब तैयारी करो मेड की. जो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन होगी वो भी मैं अब इंशाल्लाह क्लास में लूंगी. इजी हो जाएगा क्लास में एक दो क्वेश्चन पूछना आपसे ना, ठीक है. तो फिर तो आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन तो की हुई है. तो बाकी असाइनमेंट का मैंने आपको बताया था कि वो एक जो लास्ट लेक्चर था जी आई का वो मैंने अपलोड कर दिया था. थोड़ी हैवी फाइल थी इसलिए उसको मैंने टाइम लगा, लेट अपलोड किया उसको मैंने. मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया जी ड्राइव ड्राइव के ऊपर और उसकी लिंक वहाँ पे शेयर कर दी है, ठीक है. क्योंकि सारे उसके अंदर इमेजेस थे, ठीक है. उन इमेजेस को आप लोगों ने उसकी डेफिनेशंस मुझे बतानी है. तो एक और मैं असाइनमेंट आपको दूंगी, वो आपको मैं एंड में असाइनमेंट दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये असाइनमेंट है. अभी आप बना लो, अभी मैंने कोई डेट अनाउंस नहीं की कि कब तक आपने सबमिट करवाना है. तो ईजी होके बना लो अभी, ठीक है. तो क्लासेस शुरू होती हैं इंशाल्लाह, कुछ चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे. आप लोग आ जाओ वापस खैरियत से और जो है फिर कुछ चीज़ें जो है ना क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो क्विज को भूल जाओ जो हो गया खत्म, 5% वेटेज की. अब रीटेक नहीं. आपने जो असाइनमेंट के बारे में बताया था वो जरूरी है कि हम टेबल ही बनाएं? वैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टेबल ही बनाना मैम जी, वो पिक्स इंसर्ट करनी है ना, तो इमेजेस भी बहुत ज्यादा छोटी बनेगी टेबल पे. थोड़ा वो बड़ा बना लो, मतलब इतना बड़ा इमेज भी ना हो, ठीक है, कि रीडेबल हो, कि थोड़ा जिस तरह चार पांच इमेजेस जो है वो एक पेज पे आ जाए या चार इमेजेस एक पेज पे आ जाए. चार कर लो, चार थोड़ा साइज इतना होता है कि बहुत छोटा भी नहीं होता बड़ा होता, ठीक है. तो मैम वो पेजेस की लिमिट तो नहीं है ना कि इतनी तक को पेजेस, वो जितने मर्जी हो. क्या हो, मुझे आवाज नहीं खेल रहा. मैम असाइनमेंट ये कह रही हूँ कि इस तरह तो पेजेस ज्यादा बनेंगे, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना. वो आप बना लो, एक पेज पे चार चार करते जो जितने बनते हैं, ठीक है. और मैम वो मस्कुलोस्केलेटल उसकी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है. पहले उसका नेम लिखना, पहले इमेजेस जो आपने कहा पिक्चर लगा देना. क्या कह रही हो मैम? मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड में जो आपने कहा था कि इमेजेस भी इंसर्ट कर लीजिएगा, तो वो जो इमेजेस अप्रोचेस में हमने करनी है वो हमने ट्रांसड्यूसर की प्लेसमेंट की करनी है. अभी जो इमेजेस करने हुए मस्कुलोस्केलेटल में बात करेंगे उसकी. अगर तो करने हुए लगाने हुए लगा दो, एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है. अगर नहीं हो सकती तो कोई मसला नहीं है उसका, आप सिर्फ लिखो उसके अंदर. उसके अंदर जो है ना ओरिजिन इंसर्शन जो वो क्या कहते हैं सॉरी प्रो प्लेसमेंट पेशेंट पोजीशनिंग और जो स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं वो इज इम्पोर्टेंट. ओके मैम, ठीक है. तो अगर किसी के साथ इमेज लग सकती है, आप अपनी आप किस तरह प्रेजेंट कर सकते हो असाइनमेंट को, अगर कर सकते हो अच्छे से तो उस तरह कर लो, अगर नहीं हो सकता तो नो प्रॉब्लम. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो डिपेंड्स कि आप उतने अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है. ये एक माइनर है, माइनर से तो चीजें होती हैं जो एक टॉपर को दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, कि एक बच्चा जो है वो थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेता है, ठीक है. वो अच्छा सा एक दो ही नंबर से ऊपर नीचे आते हैं बच्चे, तो एक दो नंबर इन्हीं चीजों की वजह से होते हैं, उसकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है. ठीक है, मंडे को तो मेरी आपके साथ कोई क्लास नहीं होगी, ट्यूजडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह. हॉस्टल वाले सारे आ जाएंगे वापस? Yes, ma'am. हॉस्टल वगैरह खुल गए हैं, मतलब अब वो तो कोई मसला नहीं है ऐसा. सभी आएंगे इंशाल्लाह क्लास में, क्या कोई रह जाएंगे? हाइब्रिड का कह रहे थे ना कि कुछ में भी हाइब्रिड भी चल रहा है. कोशिश करो आप लोग जो आ सकते हैं, जो लाहौर वाले वो तो कंपलसरी आए ना, उनको तो जूते पड़ेंगे अगर वो ना आए, ठीक है. जो आउट ऑफ लाहौर जिनका मसला है कोशिश करो कि अपने लिए आ जाओ वापस, क्योंकि अब जो चीज हो गई पुरानी उसमें हम लोगों का काफी लॉस हुआ है, ठीक है. पढ़ाई में आप लोगों का काफी लॉस, आप लोगों के सेमेस्टर रह गए, एक या दो रह गए, इंशाल्लाह ग्रेजुएट होने वाले हो, तो ये जो टाइम है ना आप लोगों का प्रैक्टिकल और इन चीजों का सीखने का, ये अब ना ऑनलाइन में चीजें नहीं समझ आती है. वो ऑनलाइन में तो बस ये कि आपने बस पढ़ लिया बस रीड कर लिया बस,
अब आप लोग फील्ड में जाना है तो उसके लिए अब आपको तैयार करना है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप आ जाओ यूनिवर्सिटी वापस, ठीक है। जो हॉस्टल वाले हैं वो भी आ जाएं वापस, और लाहौर वाले तो कंपल्सरी आए ना, उनको तो कोई बहाना नहीं, ठीक है। मैम एग्जाम पॉलिसी क्या होगी? एग्जाम आपके जिस तरह पहले होते थे, अब मेरा ख्याल मिड आपके पहले सेवन अब नहीं आया, एकेडमिक कैलेंडर 21 जून से जो है वो आपके स्टार्ट होंगे मिड्स, तो अभी है टाइम, तो इंशाल्लाह फिर मिड होंगे। मैम जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन लोगों का क्या होगा फिर? वो लगवा के आए, टाइम है अभी, वो अपनी वैक्सीनेशन लगवाएं, उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे शायद आपको दिखाना होगा यूनिवर्सिटी का, मैंने ईमेल नहीं प्रॉपर पढ़ी है उसमें। जैसे कुछ को फर्स्ट डोज लग गई है और सेकंड डोज में टाइम है वो तो आ सकते हैं। क्या चीज? मैम मैं कह रहा हूँ जिनको फर्स्ट डोज लग गई है और सेकंड डोज में अभी टाइम है वो तो आ सकते हैं ना यूनिवर्सिटी? वो तो आएंगे अवश्य, क्योंकि सेकंड डोज में वो 25 डेज का मेरा टाइम होता है। मैम ये वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है? नहीं लग रही है, वो तो एक ही लग रही है अभी, तो मैंने भी नहीं लगवाई है, मैंने भी लगवानी है अभी। मैम जो नहीं लगवाएंगे उन्हें यूनिवर्सिटी में नहीं आने देंगे स्टूडेंट्स को? यस मैम, बात तो यही है उन्होंने, लेकिन अपने लिए अब इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाने हैं, पहले तो हम खाली यूनिवर्सिटी है पूरी, हम लोग भी नहीं अभी लगवाई थी, अब हमें भी लगवानी है कंपल्सरी, ठीक है, एक दो दिन तक वो भी लगानी है। तो इतना ज़्यादा रश हो जाना, इतना ज़्यादा क्राउड हो जाना है, तो अपने आप को कोशिश करना बचाना और इतने ज़्यादा क्राउड में ना जाना, ठीक है। क्लास में तो जो SOPs होने हैं होने हैं, मास्क वगैरह पहन के रखना अपने, और अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वैक्सीनेशन लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दूसरों को भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्राउड में खड़े हो, किसी एक को है दूसरे को कुछ भी हो सकता है, कोशिश करो लगवा ही लो। मैम वो कह रहे हैं वैक्सीन खराब है। पता नहीं है, बातें ही हैं बस, ऐसे ही है, जब कोई काम नहीं करना ना तो पाकिस्तान वाले ये अफवाहें मशहूर कर देते हैं, खराब है, 2 साल बाद मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैक्सीनेशन क्या होती है? आपकी प्रोटेक्शन ही है। बट एक चीज़ मुझे भी डाउट करती है कि पाकिस्तान जैसे मतलब इतना भूखा है, 1 रुपए के लिए भी ये फ्री कैसे लगा सकता है इतना, और चाइना अगर दे रहा है, जो दूसरी अमेरिका वाली है वो तो मेरा ख्याल पैसों की लग रही है, जो अच्छी वाली कह रहे हैं, अच्छी वाली और उसमें क्या फ़र्क है कि वो अच्छी वाली है वैक्सीनेशन तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और ये अचानक इतनी वैक्सीनेशन आ गई है, तो पहले ये जो 2 साल इतना सब कुछ होता रहा है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में अचानक मुझे तो लगता है पानी घोल घोल के सबको भी लगाई जा रहे हैं, बट कुछ कह नहीं सकते, अब है नेशन वाइड, हम लोगों को अब इसका करना तो है, लगानी तो है। मैम एक बंदे ने लगवाई है, उसकी हालत खराब है। यस मैम, हमारी फाइजर करके जो है वैक्सीनेशन कह रहे हैं वो सही है वो, बट लगा कई कई जगह पे। मैम फाइजर तो अभी तक आई नहीं है, फाइजर महंगी है, अभी आई नहीं है यहाँ पे, आई नहीं आई है यहाँ पे, ये अक्रम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लग रही है। मैम हमारी फैमिली में भी 2 बंदों ने लगवाई है, उनकी इतनी सीवियर कंडीशन है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद। सर सर मैं फैमिली वो तो वैक्सीन का मैम सिम्टम होता है, वैक्सीन के लगवाने के बाद बुखार होता है और वॉमिटिंग होती है। मेरे घर पे भी मेरे पेरेंट्स की भी लग गई हैं दोनों डोजेस, और मेरे मतलब बाकी एक दो और लोगों की भी लग गई हुई है, ठीक है। तो वो तो पेरेंट्स की भी लगवा ली थी, वो तो लास्ट मंथ ही लग गई थी पेरेंट्स की, तो उनकी तो लगवा ली है। वो तो फर्स्ट डे थोड़ा सा होता है बुखार वगैरह, और बस फर्स्ट डे पे उनको, और तो कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। मैम जी, मैम ये मेमो की जो असाइनमेंट आपने दी है इसकी मेल आप कर देंगे जरा क्लियरली लिख के क्या करना है? असाइनमेंट की ये जो पिछले GI ट्रैक जी मैम प्लीज जरा मेल करते हैं इसके अंदर लिख के क्या असाइनमेंट है और क्या क्या करना है। मैं आपको बता देती हूँ, आपने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर डिजीज को डिफाइन करना है, जो मैंने इमेजेस आपको लास्ट GI में दिखाए थे जिनका सिर्फ नेम लिखा हुआ था, वो इमेजेस आपने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो आपने उस डिजीज का नेम लिखना है, एक्सप्लेन मतलब कि आपने उसकी 2-3 लाइन की डेफिनेशन आपने गूगल पे देखो कि व्हाट इज दिस डिजीज इज, किस वजह से है, ये क्या है, ये इन्फेक्शन है, ये ट्यूमर है, ये क्या है, और वो इमेज के ऊपर किस तरह नजर आता है,
ठीक है मैम, टैबलेटेड फॉर्म में जरूरी है क्योंकि मैंने टैबलेटेड फॉर्म में बना लो इजी, अगर उस दूसरी तरह बनाते हो जैसे इजी लगता है आप लोगों को बना लो. Okay, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने उसका ये तीन चीजें तो लिखनी है, नेम, डेफिनेशन एंड इमेज. ठीक है, जैसे आप लोगों को इजी लगता है आपने टेबुलर में बनाना है उस तरह बना लो, दूसरी तरह बनाना है दूसरा बना लो, जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कर लो, हेडिंग्स डाल के और जो मर्जी जिस तरह मर्जी. ठीक है, तो आपके लिए यह कि इमेजेस जो है कुछ अभी मैं और भी इमेजेस ऐड करवाती रहूंगी बीच में. ठीक है, तो अभी इसको वो ना करना कि ये फाइनल आपकी वो है, लेकिन मेनली पूरी मेमोग्राफी की असाइनमेंट ये होगी कि आपको इमेजेस रीड करने आने चाहिए, इमेजेस दिखने आने चाहिए. कुछ मैं एक्सरेस के भी आपको बीच में बताऊंगी. ठीक है, ये तो जीआई ट्रैक के थे ना, कुछ एक्सरेस की बताऊंगी कि ये एक्सरे को रीड, चेस्ट एक्सरे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको उसकी एनाटॉमी एटलीस्ट रीड करनी आनी चाहिए. ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे का इमेज जरूर लगाना और उसको लेबल करके लाना और उस लेबल को अच्छे से याद करना, एक तरफ बनाना उसका डायग्राम, इमेजेस सेव कर लेना. ये आपके लिए आपकी याद करने के लिए इस तरह की असाइनमेंट बना रही हूँ कि आपको याद करना आसान हो. चेस्ट एक्सरे को रीड करना आना चाहिए. ठीक है, कि लंग्स कैसे नजर आते हैं, उसके अंदर ट्रेकिया कहाँ पे ब्लैक क्यों नजर आता है पीछे, इमेज लगाओ और उसके उसको एक्सप्लेन करो चेस्ट एक्सरे को. ठीक, एक्सरे एक्सक्यूज मी मैम जी, मैम जो लोग पाकिस्तान में नहीं है, जो लोग बाहर हैं और अगर वो जून से मतलब जून के मंथ में अगर वापस ना आ सकें तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या एग्जाम या मिड टर्म पॉलिसी होगी? अभी तक तो कोई पता नहीं है मुझे इसका, मैं आज पता करती हूँ कि जो आप माहम हो ना जी, आपका कब तक का प्लान है वापसी का? मैम एक्चुअली मुझे मैं किसी पेपर वर्क के लिए आई थी और वो अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस से, जैसे ही कोई जवाब आता है तो मैं तभी आ सकूंगी. सो मुझे नहीं लगता कि मैं जून के मंथ में आ सकूंगी, मोस्ट प्रोबेबली आई गेस जुलाई के फर्स्ट वीक में. चलो अगर मिड उस वक्त तक हो जाते हैं, बाकी असाइनमेंट तो आप ऑनलाइन सबमिट करवा लोगी, क्विज हो चुका हुआ है, मिड ही होगा अगर हुआ तो. तो मेरा आपका अगर मैं पूछ लेती हूँ क्या पॉलिसी है, अगर ऑनलाइन हुआ तो आप जो हैं जिनका कोई है प्रॉब्लम तो फिर ऑनलाइन ही लिया जाएगा. और तो ओके ओके मैम, थैंक यू. ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. टेक केयर, और इंशाल्लाह अब तो बल्कि फेस टू फेस मुलाकात होगी ट्यूजडे को, राइट? चलो ओके, इधर ही 103 में आपकी क्लास होती है, इधर ही मेरा ख्याल हुआ करेगी बेसमेंट में जो है. मैम ये हाइब्रिड का जो ये किसने पता चलेगा कि 50% स्टूडेंट्स हैं वो कौन से आएंगे और कौन से ऑनलाइन लेंगे उस दिन? हाइब्रिड का मुसीबत है, मैं तो कहती हूँ सभी आए वापस. मैम हाइब्रिड का बोला था और बाकी में ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत मसला है, चुप करके आओ सारे, देखी जाएगी. मैम मारिया मुस्तफा ने नहीं, मैम कुछ हम इधर से आएंगे कब तक पहुंचेंगे? क्या यूनिवर्सिटी अंदर नहीं आने देगी? मैम मारिया आने देगी, 50% बिठाएंगे हम लोग क्लास में. कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को आदों को नीचे जमीन पर बिठा दूंगी, टाट बिछा के ना पहले जिस तरह पढ़ाते होते थे, आदों को चेयर्स पे बिठा दूंगी, आदों को पीछे टाटो पे बिठा के ना पढ़ाऊंगी, लेकिन पढ़ाना तुम लोगों को मैंने ऑन कैंपस ही है, बहुत हो गया. क्लास छोटी है ना, 6 मिनट का फासला कैसे? आधा घंटा एक क्लास को पढ़ा के ना उसको बाहर निकाल के आधी क्लास को दोबारा अंदर बुला के उसको पढ़ा देना, बाहर बिठा देना. मुझे समझ नहीं आती इन्होंने जो हमारे माशाल्लाह कौम के साथ जो करते हैं, 8 बजे जी बाजार बंद हो जाने हैं सब कुछ, और 8 बजे वो रश होता है, मतलब आई मीन इतना ज्यादा. आप नॉर्मल टाइम रखो जो एक था 10 बजे 11 बजे जो भी था, रश तो नहीं होता था ना जब भी जाओ, वो एक पीक टाइम 8 बजे बन गया हुआ है कि आपके ग्रॉसरी लेने चले जाओ स्टोर्स के अंदर इतना रश, इतना लाइनें लगी हुई हैं, बंदे के साथ बंदा यूं टकरा रहा है, और उस वक्त कोरोना नहीं हो रहा. ये एक रख देते हैं टाइम भाई इस टाइम के, और हमारी आवाम ने जाना भी उस एग्जैक्ट वो जो हमारा टाइम खत्म होने वाला था उस टाइम पे जाना है. ठीक है, तो वो इस वक्त इतना रश होता है, उस वक्त नहीं सारे कोई SOP फॉलो, कोई कुछ नहीं, ये साथ साथ अटैच हुए हैं और पता नहीं क्या चीज. नॉर्मल रखें सब कुछ, नॉर्मल वापस खोलें सब कुछ, जो हो देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है, जिंदगी खराब हुई हुई है इस कोरोना की वजह से. तो ठीक है, तो कोशिश करो वापस आओ, और मैं तो कहूंगी कि इधर ही पढ़ो जो पढ़ना है. तो बाकी जिनकी प्रॉब्लम है, जिनका वाकई मसला है, जिस तरह महा है वो कनाडा में, वो नहीं आ सकती है, या और कोई इस तरह का मसला है,
तो वो तो चलो उनका तो एक है प्रॉब्लम, जो आ सकते हैं वो तो आए ना क्लास लें, लाहौर वाले तो लाजमी आए, बाकी वाले भी कोशिश करें अपनी वैक्सीनेशन लगवाएं सब और वापस हॉस्टल्स में वापस आए, ठीक है इंशाल्लाह ट्यूजडे को इंशाल्लाह, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मैम।